उनके भगवान राम की जो इमेजेस थे वो चलाए गए हैं। तो ऐसा पाकिस्तान ने ये देखकर ये जानकर कैसा लगा आपको कि दुबई में बुर्ज खलीफा पर 14 अगस्त को हमारा झंडा नहीं लगता लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा भी लगता है और राम मंदिर के सतह पर वहां पे उनके भगवान राम की तस्वीरें भी लगाई जाती हैं। एज अ पाकिस्तानी नहीं, एज अ मुस्लिम जो है, मैं एक तो इस न्यूज़ का कंटेम करता हूँ। सेकंड ये है कि ये किसी भी मुसलमान कंट्री के लिए, किसी भी मुस्लिम के लिए ये न्यूज़ इतनी बैड न्यूज़ है कि इसको जिस लेवल पे भी इसको कंटेम किया जाए वो कम है। और एक दफा जिस जगह मस्जिद बन जाती है वो जगह फर्श से लेकर अर्श तक क़यामत के दिन तक मस्जिद करार पाती है, चाहे उसके दरो दीवार सलामत हो या ना हो। शरीयत के इस कानून की रूह से हमारा मानना है कि बाबरी मस्जिद मस्जिद थी, मस्जिद है और ता क़यामत मस्जिद रहेगी। और किसी को भी यह हक हासिल नहीं है कि हम बाबरी मस्जिद के एक इंच जमीन से भी दस्तबरदार होने को तैयार हो। मैं 3 साल सऊदी में रहा, ठीक है, वहाँ पर आप एक फोटो नहीं ले जा सकते थे, आज वहाँ वो खुद मंदिर बना के दे रहे हैं। किसकी बदौलत? किसकी बदौलत? मोदी जी की बदौलत। वो कह रहे हैं, वहाँ के राजा ने कहा है, जो क्राउन प्रिंस है, कि जब तक सूरज रहेगा ना जब तक ये मंदिर यहाँ कायम रहेगा। बताइए किसकी वजह से? आपकी वजह से? मेरी वजह से? हमारे शेर की वजह से? और क्या, शेर है हमारे वो।